नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रेज के अगर वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, फार्मा और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हमेशा इंडिया में अच्छा खासा मल्टीबैगर प्रेजेंट करती रही है। फार्मास्यूटिकल्स ऐसी कंपनी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और उसी फील्ड की एक कंपनी का सबसे पहले मैं आपको रिटर्न दिखाना चाहूंगा। और ये रिटर्न आप जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं रिटर्न कहाँ से काउंट कर रहा हूँ, जून 2006 से। ठीक है, जून 2006 से, एक्चुअली उससे भी पहले 5 अप्रैल 2005 को 5 रुपया 35 पैसा हुआ करता था, 5 रुपया 35 पैसा हुआ करता था। और फिर वहां से धीरे धीरे ग्रो करते 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 अपना ऑल टाइम हाई के आसपास 1600 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। निसंदेह 2005 से 2023 के बीच में आप बोलेंगे कि 18 साल का टाइम होराइजन है, तो पैसे को आप भी एक दिन में बड़े नहीं हो जाते हो। इंसान का बच्चा भी एक दिन पैदा हुआ बड़ा नहीं हो जाता, वो भी 15 से 20 साल 25 साल का टाइम लगाता है। तो पैसे को भी बड़ा होने के लिए 15 से 20 साल का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए बोला जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग काफी पेनफुल होती है लेकिन हाईली रिवार्डिंग होती है। अब जरा ये बताइए कि 5 रुपया 35 पैसा के हिसाब से 15 साल में ये स्टॉक आज के डेट में 1600 रुपया एक यूनिट पे चल रहा है, क्या 100 गुना हुआ आपका पैसा या नहीं हुआ? कितना गुना हुआ आप जरा बताइए। ठीक है, आप जरा डिवाइड कीजिए सिंपल से जाकर आप 1600 से 5.35, कितना गुना आपके पैसे को करके दिया। इसलिए बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है लॉन्ग टर्म में मिराकल की तरह काम करता है, और उससे बड़ा कोई कंपाउंडिंग मशीन नहीं है। लॉन्ग टर्म में ही पैसा कमाया जाता है। अब बेहतरीन रिजल्ट आया है इसका, बेहतरीन रिजल्ट आया है, मिड कैप कंपनी है। मैं चलिए सबसे पहले रिजल्ट का पोर्टफोलियो रिजल्ट आपको साथ शेयर कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपको लेकर चलूंगा इसके चार्ट पे। ये देखिए जून 2023 का क्वार्टर का ये रिजल्ट है, इसको कंपेयर करेंगे मार्च 2023 से और साल भर पहले का। ये देख लीजिए इस क्वार्टर में सेल्स का रिजल्ट जो आया है 1021 करोड़ का है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 882 करोड़ था और साल भर पहले 952 करोड़ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब देखेंगे दोस्तों, तो इस क्वार्टर में 271 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया इन्होंने, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 149 करोड़ था और साल भर पहले 222 करोड़ था। जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में 208 करोड़ की नेट प्रॉफिट रहा है इनका दोस्तों, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 122 करोड़ था और साल भर पहले 175 करोड़ था दोस्तों। तो ये एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, क्या जबरदस्त इनका परफॉर्मेंस रहा है, बेहतरीन इनका रिजल्ट आया हुआ है। और ये रिजल्ट के साथ में इन्होंने 25 रुपया 10 रुपया प्लस 10 प्लस 10 रुपया का डिविडेंड प्लस 15 रुपया का स्पेशल डिविडेंड, यानी टोटल डिविडेंड इंट्रीम डिविडेंड 1 का इन्होंने अनाउंस किया है, जो 25 रुपया का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया। अब आपको बोलने की कंपनी कौन सी होगी, फार्मा की एक मिड कैप कंपनी है जिसका नाम है अजंता फार्मा। ठीक है, अजंता फार्मा मिड कैप कंपनी है। 28 जुलाई यानी कि लास्ट फ्राइडे के दिन इनकी क्लोजिंग पर था 1616 रुपया पर, और मार्केट क्लोज होने के बाद ये रिजल्ट आया। 52 वीक का हाई इन्होंने बनाया 1735 रुपया और 52 वीक का लो जो है 115 रुपया का है। इनका डिविडेंड यील्ड 0.62% है, फेस वैल्यू 2 रुपए का है और इंडस्ट्री का पी 27.4 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 20,702 करोड़ की कंपनी है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है फर्मा की। स्टॉक का पी इनका 33.3 है, आरओसी 22.6% मेंटेन करते हैं और आरओई जो है 17.1% मेंटेन कर 17.9, जो कि बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग इस कंपनी को बनाती है। डेप्ट टू इक्विटी 0.1 करोड़, यानी कि बिल्कुल समझिए जीरो डेप्ट है इनके ऊपर। अर्निंग पर शेयर इनका 48.5 है करंट में, और साथ में इनका हम लोग देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग जो है 66.2% है। ये इस कंपनी को जबरदस्त क्वालिटी वाली बनाती है दोस्तों। अब मैं आपको चार्ट पर लेकर चीजें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक अपील की दोस्तों, अगर आप नए तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके आया, अजंता का डे फ्रेम का चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है। ठीक, अजंता फार्मा का डे फ्रेम चार्ट लगा के रखा हुआ, और प्राइस को स्टडी करने के लिए हमने अपना सेटअप लगा रखा है जो कि ईएमए बेस्ड सेटअप है, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ में आरएसआई। आज के डेट में करंट में आरएसआई इनका 72% है, यानी फ्राइडे के दिन, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है प्राइस में। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। और एक बार याद दिला दूं कि ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की ईएमए है, येलो वाली लाइन 150 डेज की, और रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की ईएमए है दोस्तों। आप एक चीज देखेंगे तो लगभग ये इनका जो है अपना ऑल टाइम हाई जो था उसी के ऊपर ये अभी ब्रेकआउट की सिचुएशन बनी हुई है। मैं आपको प्राइस का थोड़ा सा दिखा दूं कि ये जो बना था ये दिसंबर
का महीना है, सॉरी ये अक्टूबर 28 जुलाई 2021 यानी कि लगभग 2 साल पहले इनका एक टॉप बना था 1600 के आसपास में। उसके बाद इनकी जबरदस्त गिरावट हुई, जैसे कि जितनी भी सारी फार्मास्यूटिकल चाहे बड़ी हो या छोटी हो, चाहे सन फार्मा हो, चाहे डीबीज लैब हो, चाहे डॉक्टर रेड्डी लैब हो, सिप्ला हो, सब में बुरा देखा गया, दबाव देखा गया पूरी की पूरी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में। इन्होंने भी वही दबाव देखा और मल्टीपल अपना लो बनाते हुए धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए अपना एक न्यू हाई बनाया है, जो कि फ्राइडे के दिन ही न्यू हाई बनाया, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाए और वहां से क्लोज हुए नीचे में। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, देखिए मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर यहां पर बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है और प्राइस यहां से धीरे धीरे कंसोलिडेट करके प्रीवियस हाई के ऊपर निकला है। प्रीवियस जो स्विंग हाई था, ये वाला स्विंग हाई, ठीक है, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर गया, फिर आकर रिटेस्ट लिया, एक डब्ल्यू शेप बनाया और डब्ल्यू शेप के बनाकर ऊपर फिर ब्रेक आउट किया। दोस्तों थोड़ा सा मैं और आपको जूम करके दिखाना चाहूं ताकि आप और अच्छे तरीके से प्राइस को देख सके। यहां पर प्राइस यहां पर देख सकते हैं 200 डेज के ऊपर काफी दिन तक कंसोलिडेशन रहा, ये देख सकते हैं, ये रहा कंसोलिडेशन का फेज। इस फेज को प्राइस ने ब्रेकआउट करके एक नया हाई के तरफ गया, वहां से कंसोलिडेट, वहां से आगे नहीं बढ़ पाया। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि एंट्री का पॉइंट जो है ये मूविंग एवरेज यानी कि यही स्टेशन है, प्राइस ने यहां पर अपने आप को कंसोलिडेट करते रहा, इसी के ऊपर हाई का सपोर्ट लिया और एक फिर नया हाई बनाया जो फ्राइडे के दिन बना। अब इसके ऊपर का ही यही अब आपके लिए सपोर्ट जोन है, जो पहले रेसिस्टेंट जोन था, अब इसके लिए ये सपोर्ट जोन वर्क करेगा दोस्तों, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स को लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप प्ले करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेड के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो आप यहीं पर एंट्री लेके, या फिर अगर यहां पर 1400 के आसपास मिल जाए तो गोल्ड समझिए कि आप गोल्ड खरीदेंगे, ठीक है, गोल्ड खरीदेंगे आप यहां पर, समझिए गोल्ड खरीदने का मतलब होगा कि सस्ते प्राइस पर खरीदेंगे आप यहाँ पर। और मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप यहाँ पर मिल जाए तो इस स्टॉक को छोड़िएगा मत, बस पैसा तैयार रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी अपना 52 वीक हाई पर भी है और ऑल टाइम हाई पर भी है स्टॉक, कि रिजल्ट अच्छे आए हैं। रिजल्ट अच्छे आने की वजह से अब फार्मास्यूटिकल्स, वैसे भी आप देख रहे हैं प्रेशर जो था हट गया है, अब अच्छी खासी तेजी दिखनी जा रही है। जितने भी फार्मास्यूटिकल्स वाली कंपनी है, चाहे सन फार्मा हो, डिवीज लैब हो, डॉक्टर लेडीज हो, या जो भी आप फार्मास्यूटिकल्स को जानते हैं, अच्छी खासी उसमें तेजी देखने को मिली, इस स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना एसएल कहाँ रखें। मेरे लिए तो सबसे सेफ जो एसएल रहेगा वो 200 डेज के नीचे यानी कि 300 के नीचे है और मैं इसको लॉन्ग लेकर जाऊंगा, लॉन्ग लेकर मैं 2K के टारगेट के लेकर जाऊंगा दोस्तों। फिर भी आपको इन्वेस्ट करने से पहले या ट्रेड करने से पहले अपना रिसर्च खुद भी करना।